हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल इंग्लिश विद शिवा सो इन दिस न्यू वीडियो वी विल डिस्कस अ फेमस पोम रिटन बाय मैथ्यू आर्नॉल्ड एंड इट इज़ डोवा बीच तो अपनी आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक फेमस पोम की जो किसने लिखी है मैथ्यू आर्नॉल्ड ने और पोम का टाइटल है हमारा डोवो बीच लेकिन पोम को शुरू करने से पहले बहुत ही शॉर्ट में और ब्रीफ में हम जानते हैं हमारे राइटर के बारे में मैथ्यू आर्नॉल वॉज एन इंग्लिश विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ब्रिटिश पोएट्स ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी हिस क्लासिकल अटैक्स ऑन द मॉडर्न टेस्ट एंड मैनर्स ऑफ द बारबेरियंस द एरिस्टोक्रेसी फिलिस्टींस एंड पॉपुलेंस पर्टिकुलरली नोटेबल ही इज पॉपुलराइज नॉन फॉर इज फॉर्म बेस्ड ऑन द टाइम इंक्लूडिंग मॉडर्न सोसाइटी नेचर एंड मॉरल लेसन्स मैथ्यू वॉज द ओल्डेस्ट सन ऑफ लेजेंड्री टॉमस एंडोल्ड हु वॉज द हेड मास्टर ऑफ रग्बी स्कूल इन एटीन ट्वेंटी एट सो यह थोड़ी सी इंट्रोडक्शन था हमारे राइटर के बारे में चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को अपनी फॉर्म को फर्स्ट स्टेंजर है हमारा द सी इज काम टू नाइट द टाइड इज फुल द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट क्लीम्स एंड इज गॉन क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड क्लिमडिंग एंड वास्ट आउट इन ट्रेंकुअल बे कम टू द विंडो स्वीट इज द नाइट एयर Only from the long line of spray where the sea meets the moon blanched land. Listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves throw back and fling. At their return up the high strand, begin and cease and then again begin. With tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness in. कुछ इनके इम्पोर्टेंट मीनिंग्स को हम जानते हैं जैसे यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है हमारा फेयर फेयर मतलब समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल टाइड मतलब ज्वार भाटा अपॉन द स्ट्रेट्स मतलब जो बीच का एरिया होता है यानी कि बीचो बीच बिल्कुल ट्रैंगल मतलब शांत बे मतलब घाटी और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ब्लेंश ब्लेंश मतलब वाइट ग्रेटिंग मतलब किसी चीज़ को घिसना फिलिंग मतलब वापस फेंकना पेबल मतलब समुद्री पत्थर एंड कंडेंस मतलब रिद्म। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स थे इससे रिलेटेड इस स्टैंजा के अब इसकी एक्सप्लेनेशन कहते हैं देखते हैं तो फर्स्ट स्टेंजा है ये इन द फर्स्ट स्टेंजा, द पोएट टॉक्स अबाउट ए बीच इन डोवर कोस्ट ऑफ इंग्लैंड हमारे फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो बात कर रहा है एक डोवर कोस्ट की यानी कोस्ट मतलब तट की जो कहाँ पे इंग्लैंड में इंग्लैंड में एक बीच है जिसका नाम है डोवर बीच तो पोएट उसके किनारे यानी कि उसके तट पे खड़ा है ही ऑल्सो डिस्क्राइबिंग द सी एट नाइट है ना वो समुद्र की जो स्थिति होती है रात के समय में जो ब्यूटिफुल हो दृश्य होता है उसको हम लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा है ही प्लीड्स द अदर पर्सन विद हिम टू सी वॉट ही सिंग दूसरे व्यक्ति से प्रार्थना कर रहा है कि जो दृश्य वो एंजॉय कर रहा है तुम भी उसके साथ आओ और दृश्य को इंजॉय करो द स्पीकर गेजिज काम सी नथिंग द फुलनेस ऑफ द टाइट एंड द मून रिफ्लेक्टिंग इन द वॉटर पोएट एट यहाँ पे गेज कर रहा है है ना देख रहा है किसको उस दृश्य को जब रात के समय जो समुद्र है वो कैसा रहता है काम रहता है यानी कि जैसे उसमें दिन में वो लहरें उठती हैं उसकी वो नहीं उठती है समुद्र रात के समय जो काम एटमॉस्फेयर रहता है उसको देख रहा है कह रहा है कि कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है जो uh, समुद्र है उसमें रोशनी यानी कि रिफ्लेक्शन पड़ रहा है किसका चंद्रमा का स्टेयर्स एट अक्रॉस इंग्लिश चैनल द स्पीकर नोटिस द लाइट ऑफ द फ्रेंच कोस्ट डिसअपेयर वाइल द इंग्लिश कोस्ट क्लिफ स्टैंड टोल एंड ब्राइट एज वेल एज द बेअपीयर काम कह रहा है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इंग्लिश चैनल पे मैं खड़ा हूँ पोएट यहाँ पे हमारा स्पीकर कह रहा है वहाँ पे जो लाइट पड़ रही है जो रोशनी पड़ रही है वो ऐसा है कभी जो चांदमा की रोशनी है वो हमें दिखती है और कभी नहीं दिखती है है ना जो बे यानी कि जिस खाड़े का दृश्य वो देख रहा है कह रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल है कह रहा है सडनली द ऑथर प्लीज टू अनदर पर्सन टू कम एंड लुक एट द थिंग्स द स्पीकर इज गेजिंग एट एंड टू रियलाइज द नाइट्स प्लीजेंट एयर कह रहा है देखो रात के इस दृश्य को देखो इस पर ये बहुत इंजॉय uh, करने वाला दृश्य है जहाँ पे हवा क्या है वो सुंदर सुंदर हवाएं चल रही हैं और uh, समुद्र जो है बिल्कुल शांत है है ना चंद्रमा की रोशनी है नज़ारा एकदम बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला है सडनली द स्पीकर फील्स दैट समथिंग इज नॉट राइट एंड देन मैंशंस द स्प्रे वेयर द वॉटर मीट्स द मोलिट ले अचानक से पोएट को फील होता है कि कुछ इसमें मिस्टीरियस तो है कुछ उसमें उसको लगता है कुछ तो प्रॉब्लम है वो देखता है उन झागों को है ना जब उन झागों पे जो चंद्रमा की जो रोशनी पड़ रही है उनको वो देखता है द स्पीकर डायरेक्ट्स अदर पर्सन टू पे अटेंशन टू द साउंड ऑफ द पेबल शिफ्टिंग बैक एंड फोर्थ एट द वेव मूव दैम एंड डाउन द बीच कह रहे बहुत धीमे धीमे एक आवाज़ हो रही है जो पेबल्स हैं यानी कि जो कंकड़ है उन पर जो वेव्स हैं वो आ रही है और जा रही है द स्पीकर ऑब्जर्व दिस स्लोली अकरिंग पैटर्न एंड एसोसिएट्स इट विद अन एंडिंग सैडनेस उसको वो कंपेयर कर रहा है सैडनेस से कि जिस तरह से जो पेबल्स हैं वो रात में भी पीसफुली नहीं है रात में भी वो धीरे धीरे स्ट्रगल कर रही हैं जो वेव्स हैं उनको क्या कर रही है बार बार आके उनसे टकरा रही हैं तो यहाँ पे उनकी जो वेव्स को और वो कह रहे हैं कि वेव्स की जो सैडनेस है वो उसका कोई अंत नहीं है यानी कि कहीं ना कहीं वो कहना चाहता है कि मनुष्य की लाइफ में जो सैडनेस है वो दुख है उसका कोई एंड नहीं है कितनी ब्यूटीफुली उसने यहाँ पे दृश्य के साथ ह्यूमैनिटी की जो सैडनेस uh, की जो uh, चीज़ है उसको एक्सप्लेन किया है आई होप आपको फर्स्ट स्टैंडर क्लियर हुआ होगा अब हम सेकेंड स्टैंडर देखते हैं सोफो क्लीज लॉन्ग अगो हार्ड इट ऑन द एडन and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery we find also in the sound a thought hearing it by this distant northern sea यहाँ पे देखो पोएट बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है सोफोक्लीस द एंशेंट ग्रीक प्ले राइट इज मैंशन एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड स्टैंडर है ना सेकेंड स्टैंडर के स्टार्टिंग में उसने यहाँ पे मैंशन किया है सोफोक्लीस को एक ग्रेट प्ले राइट थे ग्रीक uh, में वाइल सिटिंग ऑन द एगन सी है ना एगन कोस दोएट क्लेम्स द हैड ऑलरेडी हर्ड दिस अनएंड नोट ऑफ सैडनेस क्या ना कि सोफोक्लिस ने जो हमारा अनएिंग uh, uh, जो नोट है सेडनेस का उसको पहले ही उसने इंजॉय कर लिया है यहाँ पे पोएट बता रहा है कि जो सोफोक्लिस uh, है वो पहले इस दृश्य को इन सब चीज़ों को ह्यूमानिटी की जो चीज़ें हैं पहले वो उनको देख चुका है इन द सेकेंड स्टेंज द पोइट क्लेम्स दैट बाई सिटिंग ऑन द शोर ऑफ द

है ना ह्यूमन बीइंग की जो ह्यूमैनिटी की है ना जिस तरह से ये वेव्स आती है जाती है उसी तरह से मनुष्य के जीवन में मिजरी है है ना जो कठिनाइयाँ हैं वो आती है और जाते हैं ये सब चीज़ें सोफोक्लिस ने पहले ही ऑब्जर्व करके हम लोगों को बता दी हैं देन एज द साउंड ऑफ द सी कॉन्टिन्यूज द स्पीकर मैंशन सम अदर थाट अब वो आगे के थॉट बताता है द पोएट वॉन्ट्स टू हाईलाइट फॉर द रीडर द यूनिवर्सल फीलिंग ऑफ मिजरी दैट पीपल हैव हैड थ्रू आउट हिस्ट्री कह रहे हिस्ट्री को उठा के देख लो सोफोकलीज ने भी हमें इसके बारे में ह्यूमन मिजरी के बारे में बता दिया ह्यूमन दुख के बारे में बता दिया है कि कोई नई बात नहीं है, है ना ये यूनिवर्सल फीलिंग है नेक्स्ट वो कहता है ही डिक्लेयर्स दैट वी ऑल्सो परसिव दी सेम इमोशंस इन द साउंड ब्रिंगिंग द रीडर बैक टू द प्रेजेंट कह रहे ये पास्ट की चीज़ें हैं अगर हम इनको प्रेजेंट में भी ला के देखें तो ये सेम चीज़ हम पास्ट में भी पा रहे हैं और ये चीज़ प्रेजेंट में पा ले इसलिए उसको क्या उसने बोला है कि यूनिवर्सल मिजरी है है ना जिस तरह से वो जो आ, पेबल्स हैं वो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं उस सिचुएशंस को धीरे धीरे सहन कर रहे हैं इसी तरह से जो ह्यूमन का नेचर है पास्ट से पास्ट में भी इस ह्यूमन मिजरी वो बता रहा है वो आ, इस चीज़ को भी टॉलोरेट करते थे यानी कि सैडनेस को वो भी, भी वो टॉलोरेट करते थे जैसे हम लोग प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं आई होप आप लोगों को सेकेंड स्टैंडा भी क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट हम थर्ड स्टैंडा देखते हैं द सी ऑफ फेथ वॉज द फुल एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द ऑफ अ ब्राइट द्राइटल फॉर्ड बट नाउ आई ऑल हेयर इट्स बैलेंली लॉन्ग विद ड्रॉइंग रॉर रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट टू विंड डाउन द वास्ट एज ड्रेयर एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड बहुत अच्छी बात कह रहा है सो अकॉर्डिंग टू द पोएस यूज टू बाइंड ऑफ ह्यूमैनिटी इन द थर्ड स्टैंड द पोएट कम्बाइंड ह्यूमन फेथ विद नेचुरल अक्रेंसेस ह्यूमन फेथ को उसने नेचुरल अक्रेंसेस के साथ यहाँ पे कंपेयर किया है द स्पीकर कंपेयर्स रिलीजियस फेथ टू अट वॉज वंस फुल जस्ट लाइक टाइड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट आइडिया यानी कि जो ह्यूमन फेथ है उसको उसने सी में जो टाइड आती है उससे कंपेयर किया है उसके आइडिया के साथ रिलीजन को वो कंपेयर कर रहा है इट वॉज अ लाइक ग्रिडल अराउंड द अर्थ एट द टाइम कह रहे हैं जो लोगों का रिलीजियस बिलीव था जिस तरह से समुद्र की जो लहरें होती हैं कितने तूफान पे होती हैं तो उसी तरह से एक टाइम में जो हम ह्यूमन uh, नेचर था ह्यूमैनिटी थी रिलीजन को लेके अपनी चरम सीमा पर थी बट नाउ द स्पीकर कैन ओनली हियर द सीज सैड रिट्रीट यहाँ पे वो सटायर कर रहा है कि जिस तरह से अब मैं अकेला ही उस दुख को महसूस कर पा रहा हूँ जो रिलीजन को लेके ह्यूमन बीइंग ने महसूस किया है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द सी ऑफ फेथ श्रिंक्स इट विशेज इन टू द एटमोसफियर लिविंग द वर्ल्ड इज ने द टर्म फेथ में बी यूज टू डिस्क्राइब द ट्रस्ट द रिलीजन सिंपैथी कंपैशन एंड स्परिचुअलिजम ऑफ ह्यूमैनिटी दस द फेथ वॉज पुट टू डिक्लाइन बाई ग्रीड ये जो फेथ था रिलीजन का जो फेथ था आज वो किस में चेंज हो गया है ग्रीड में चेंज हो गया है ठीक है आई होप आपको ये थर्ड स्टैंडजा भी समझ आया होगा हम अपना लास्ट स्टैंडा देखते हैं ओ लव लेटर्स बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स सो वेर सो ब्यूटिफुल सो न्यू हैथ रियली नाई जॉय नो लव नो नाई लाइट No certitude, no peace, no health of pain, and we are here as a, on a darkling plain, swathed with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. What a beautiful line! According to the poet, the word that at first appeared to be like the land of dreams, or as he depicts it, is actually. होलो फ्रॉम विद इन इट लैक्स हैप्पीनेस लाइट लव पीस फेथ एंड सिंपैथी कह रहे कि एक टाइम में जो वर्ल्ड क्या होता था लैंड ऑफ ड्रीम्स होता था आज वो कैसा है उसमें ना तो खुशी है ना लव है ना पीस है ना फेथ है और ना ही लोगों में एक दूसरे के प्रति सिंपैथी है इट इज एविडेंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फोर्थ स्टैंड स्पीकर कंपेनियन हु इज गेजिंग आउट ओवर द रिवर विद हिम पार्टनर अब यहाँ पे रिवील हो रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे उसके साथ पार्टनर है वो उसका कोई रोमांटिक पार्टनर है यानी कि कोई लवर है उसकी नाउ द पोएट डायरेक्टली स्पीक्स टू इज बिलव इट एज वेल एज टू द रियल डिवोटिव ऑफ गोल्ड ही रिक्वेस्ट दैम टू अपल्ड देयर कमिटमेंट टू वन अनदर दिस लैंड ऑफ ड्रीम्स यानी जो इस संसार में हम देखते हैं कमिटमेंट वो सब खत्म हो गया है उसको क्या कर लो अनफोल्ड कर लो he says that two of them now need to treat each other with authenticity and honesty agar tum bhi mere sath aage badhna chahti ho to tumhe kya follow karna hai honesty ko follow karna hai you have to be authentic the word has changed and now it resembles a dream instead of the reality he is familiar with कह रहे अब word वर्ड मुझे ड्रीम सा दिखता है है ना जो ड्रीम हमें हाँ पता है नहीं बहुत कम ड्रीम ऐसे होते हैं जो फुलफिल नहीं हो पाते तो वो क्या कर रहा है ड्रीम मतलब Uh, मुझे कल्पना सी लगती है वर्ड क्योंकि मेरे लिए रियलिटी इसमें संसार में ख़त्म हो गई है एक्चुअली न्यू वर्ल्ड लैक जॉय लव लाइट सर्टेनिटी एंड पीस इस संसार में ना तो जॉय है ना लव है ना सर्टेनिटी है और ना ही पीस है इट इज़ नॉट एग्जैक्टली विट वॉट इट सीम्स टू बी कह रहे ऐसा नहीं दिखता है जैसा होना चाहिए जैसा दिखना चाहिए द पोइट कम्स टू ए नेगेटिव कंक्लूजन ऑन द स्टेट ऑफ द प्लैनट रियल सफरिंग इज हैपनिंग टूडे and faith is eroding as people struggle around the world on a darkling pain confused and battling for things they don't comprehend तभी तो उसने कह रहा है वेयर ignorant armies clash by night situation ऐसी है कि लोगों के मन में ना तो एक दूसरे को लेके प्यार है जॉय है वो कैसे हो गए जैसे जंग में योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं उस तरह से एक दूसरे के विरोधी बनके खड़े हो गए हैं उम्मीद है आपको फोर्थ स्टैंजा समझ आया होगा से तो बेसिकली अ ड्रामेटिक मोनोलॉग है written by Matthew Arnold. Matthew Arnold laments the loss of true Christianity in England in the middle of 19th century as the people's attention is captured by science. यहाँ पे lament कर रहा है, है ना Christianity का जो विश्वास था लोगों पे, वो खत्म हो गया है. किसने खत्म कर दिया? Science ने इस attention को खत्म कर दिया है. The poet is observing France from the Dover coast with his beloved when he notices a fleeting light, little light. The light सिम्बलाइज how the English people and the rest of the world are losing faith. देखो कितनी अच्छी बात कही है आप उसने सिम्बलाइज how the English people and the rest of the world are losing faith. कह रहा जो light थी है ना कह रहा है अभी jo जो है जो कह hai na ना कि जो हमारा hai है, है ना उसमें लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है कह रहा जो ह्यूमन फेथ था वो डगमगा रहा है अब ना रियलिटी वाली बात नहीं रही है तो ये मैसेज वो हमें यहाँ पे देना चाहता है

है ना ये वर्ड कैसा हो गया है एक इमेजिनरी वर्ड हो गया है यहाँ पर रियल कुछ भी नहीं है आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा तो डोवर बीच इज अ लिरिक पोम बाय द इंग्लिश पोइट मैथियोनॉ जैसे मैंने बताया है इट वॉज़ फर्स्ट पब्लिश इन एटीन सिक्सटी सेवन इन द कलेक्शन न्यू पॉम्स न्यू पॉम्स का कलेक्शन था उसमें पब्लिश हुई थी हाउ एवर सर्वाइविंग नोट्स इंडिकेट इट्स कंपोजिशन मे हैव मेंगिन एज अर्ली एज एटीन फोर्टी नाइन द मोस्ट लाइकली डेट इन एटीन फिफ्टी वन यानी कि इसको लेके भी है कि एटीन फिफ्टी नाइन में इसको कम्पोज़ किया गया था लेकिन कुछ लोग मानते हैं एटीन फिफ्टी वन में इसको कम्पोज़ किया गया था आप लोग इस दोनों पॉइंट को याद रखना नेक्स्ट देखते हैं इसमें देखो कुछ लिटरेरी डिवाइज यूज़ हुए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी इसलिए मैंने कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूज़ किया है इसमें सिम्बली यूज़ हुआ है एंड वी आर हेयर एज ओनर डार्कलिंग पेन इन लाइन में हमारा सिम्बली है नेक्स्ट इसमें हमारा रिपीटेशन यूज इन डॉवर बीच है ना जैसे आर नॉल इंक्लूड्स रिपीटेशन ऑफ द वोवल साउंड ओ इन द फॉलोइंग लाइन हैथ रियली नाइ दर जॉय नोर लव नोर लाइट है ना ओ का साउंड रिपीट हो रहा है इसमें आयरनी भी है इसमें मेटफर भी है इसमें और भी बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच रिलेटेड डिवाइस यूज हुए हैं तो आप लोग उसको जाकर देख लेना क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है इसलिए मैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ऐड नहीं कर पाई हूँ जो मेरे को लगा वो ताकि आप लोगों को फिर ये लगता है ना वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आई होप यू ऑल हैव इंजॉयड द वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हैव अ नाइस डे